हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी हब अगेन। देखो हमारे पास आज क्या है। आज वाले वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पास कुछ MCQs लेके आए हैं और आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशंस हुई कितनी है अभी तक। ठीक है, तो आपके पास ये एक बहुत ही बेटर ऑप्शन रहेगा कि आपके पास प्रिपरेशंस चेक करना चाहते हो अगर, तो क्या करो, नुमेरी ये MCQs जो हैं उनको चेक करो कि क्या आपको उनके आंसर्स आते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को खुद से रोक देखना, वीडियो को पॉज करना और आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद आगे चलते जाना। और यहाँ पे हम सिर्फ MCQs नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कंसेप्ट क्या लग रहा है उसको भी देखो। यहाँ पे आपके पास गिवन है कि आपको क्या निकालना है, कि बताना है कि बताओ करंट इन द आर्म CD, CD आर्म में क्या करंट रहेगा। यहाँ से आ रहा है करंट आपके पास I2 और यहाँ से आपके पास करंट आ रहा है I3। तो आपको बताना है कि बताओ CD आर्म में आपके पास क्या करंट रहेगा। ठीक है, सोच के बताना है। चलो इसके ऑप्शंस देखते हैं जरा, क्या ऑप्शंस रखे हैं आपके पास। ऑप्शंस हैं आपके पास I1 प्लस I2, I2 प्लस I3, I3 प्लस I1 और I1 माइनस I2 प्लस I3। ये आपने बताना है जी। तो एक बार वापस से क्वेश्चन को देख सकते हो, ये है आपके पास। यहाँ से अब आपको पता है I1 करंट यहाँ से आ रहा है और यहाँ पहुँच के I2 कंपोनेंट उसका यहाँ चला गया और I3 कंपोनेंट यहाँ चला गया। ठीक है, उसमें से आप देख सकते हो कि आपके पास जो I2 कंपोनेंट है यहाँ जा रहा है और I3 कंपोनेंट यहाँ जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि CD आर्म में क्या करंट रहेगा। तो क्लियरली आपको पता है कि ये आपके पास सी पॉइंट से जा रहा जो करंट होगा और सी पॉइंट पे जो करंट्स आ रहे होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ से अगर I2 और यहाँ से I3 करंट आ रहा है तो यहाँ पे जो टोटल करंट जा रहा होगा जंक्शन से, दैट विल बी I2 प्लस I3। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा I2 प्लस I3, जो है आपके पास ऑप्शन नंबर B। क्लियर है इतनी बात, चले आगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है आपके पास प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड। क्या है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, याद करो सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक जब आपने पढ़ा था। सेल्फ इंडक्टेंस का क्या यूनिट है, क्या सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट वोल्ट है, क्या सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट ओम है, क्या सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है या फिर गॉज है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ यूनिट इज हेनरी, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अच्छा जी, यहां पे आपको कॉलम्स को मैच करना है। इधर ए बी और सी था आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है और 1, 2 और 3 आपके पास राइट हैंड साइड में। आपको उसके एक्सप्रेशंस को मैच करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपके पास क्या है, आपको इसमें से मिनिमम एक अगर ऑप्शन सही से कंफर्म है। देखो मुझे लगता है कि कॉलम्स लॉ वाला रिलेशन तो आपको बहुत इजीली आ जाना चाहिए, पहला ही टॉपिक है आपके सिलेबस का, है ना। तो कॉलम्स लॉ जब आप पढ़ते हो तो कॉलम्स फोर्स का एक्सप्रेशन आप देख सकते हो कि हाँ सर हमने ये वाला ऑप्शन दिख रहा है कॉलम्स लॉ का, यानी कि आपके पास ए का जो आंसर है वो कन्फर्म हो गया 3 है। ठीक है, तो ए का आंसर कंफर्म हो गया 3 है, तो यहाँ से आपके पास ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा और ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन चलेगी आपके पास। पीछे क्या बचा, अब हमारे पास ऑप्शन बी और डी बचे। उसके बाद आपको अब आगे चलना और पड़ेगा, अगर कहीं ऐसा होता कि ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस में ऐसा कॉम्बिनेशन ना होता जिसमें सिंपल 3, अब यहाँ पे आप तो फंस गए, 3 और 3 दो में है, तो उसको क्या करोगे। अब देखो नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का क्या है, याद करो F इज इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है QVB साइन ऑफ थीटा, पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, बिल्कुल F इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, QV क्रॉस B, यही पढ़ा था। तो क्या हमें ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो हमारे पास कन्फर्म हो गया जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका जो बी का आपके पास क्या आंसर रहेगा, 1। तो ये आगे जी बी का आंसर आपके पास 1 कंफर्म हो गया। अब 3 और 1 आ गया, तो 3 और 1 आपके पास ये ऑप्शन नंबर D इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन D आपका राइट आंसर है, क्लियर है। और यहाँ से अल्टीमेटली लॉरेंस फोर्स भी आपने पढ़ी हुई है, एक ऐसी फोर्स जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट रहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स आपके पास क्या रिलेशन निकलता है, Q into E। मैग्नेटिक फोर्स के लिए रिलेशन हमने अभी लिखा Q into V क्रॉस B। तो यहाँ से आपका एक रिलेशन निकल जाता लॉरेंस फोर्स के लिए, दैट इज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है QE प्लस V, यहाँ पे क्रॉस है। ठीक है, Q plus QE plus Q into V क्रॉस B, ये आपके पास रिलेशन रहता है लॉरेंस फोर्स का। आई होप क्लियर है, काफी इजी क्वेश्चन था।
चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इन एन एसी सर्किट द करंट, एसी सर्किट की बात करो तो करंट जो है, करंट और वोल्टेज के बीच का कुछ रिलेशन है, ठीक है जी। करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन है, आपको बताना है क्या करंट फेज इन फेज रहता है वोल्टेज के, या लीड करता है या लैग करता है। अब आपने जब एसी सर्किट में पढ़ा होगा तो आपने तीन केसेस वहां पे पढ़े हुए हैं, अगर ध्यान से देखो तो आपने पढ़ा कि हमने ये भी पढ़ा, ये वाला केस भी हमने पढ़ा है, लीड्स वाला भी पढ़ा है, लैग्स वाला भी पढ़ा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, कि इनमें से कौन सा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का आपके पास सर्किट बना होगा, वहां पे कॉम्बिनेशन क्या है। इसलिए मैंने आपको बोलता एसी सर्किट कंटेनिंग एल ओनली, सी ओनली, आर ओनली, वो वाले केसेस हैं ये। तो आपको कंफर्म हो गया कि एसी सर्किट में करंट लीड करेगा, लैग करेगा या इन फेज चलेगा, वो डिपेंड करता है कि आपके पास सर्किट कॉम्बिनेशन कैसा है। इतनी बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। मुझे नहीं लगता कि इससे इजी क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये है कि आपने जब पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ई एक्सएल इज इक्वल टू 1/4π ε₀ पी बाई आर क्यूब, कुछ ऐसा करके पढ़ा होगा आपने ई एक्सएल। तो क्या इसी चीज को मैं ऐसे करके नहीं लिख सकता? इस टू से ये टू कट जाएगा तो आपके पास जो रिलेशन बचेगा दैट विल बी योर पी बाई 4π ε₀ आर क्यूब। बचेगा या नहीं बचेगा? क्लियरली तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी। तो मैं आपको एक बार नोट्स में दिखा देता हूँ आपने हमने कहाँ पे ये चीज पढ़ी हुई है, तो ये देख सकते हो आप, ठीक है। हमने नोट्स में क्या पढ़ा हुआ है ये देख लो, हमने पढ़ा हुआ है कि q इंटू 2a इंटू 2r डिवाइडेड बाई 4π ε₀ r रेज टू पावर 4, यही है, देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ से r और r कट जाएगा, पीछे 3r बचेंगे, इस 2 को अगर ये 2 काट दे तो आपके पास जो अल्टीमेटली जो ऑप्शन बचने हैं वो कौन सा बचना है? दैट इज p बाई, यहाँ से p बाई 2π ε₀ r क्यूब। तो ऑप्शन नंबर c जो है आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? एक बार देख सकते हो आप इसको भी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको बस रियलाइज करना है। देखो एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। मैंने आपको बोला है कि जब भी आपके पास चार्जेस वाला क्वेश्चन आएगा चार्जेस सेम है, ये एक ऐसा केस आ गया जब दोनों में चार्जेस क्या है, सेम है, Q1 Q2 है, और आपको पता है के Q1 Q2 बाई उनके बीच की फोर्स कैसे निकालते हैं, यहाँ देखो द फोर्स बिटवीन दैम। तो फोर्स के लिए रिलेशन होता के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। आर की बात करें तो 4 सेंटीमीटर है, तो मैं 4 सेंटीमीटर आर स्क्वेयर होता है तो आप लिख दोगे 4 × 10⁻²⁻² इंटू 4 × 10⁻²⁻². स्क्वेयर का मतलब यही होता है, यानी कि मैं लिख सकता हूं के Q1 Q2 बाई 16 × 10⁻⁴ लिख सकता हूं मैं। चलो इधर की बात करते हैं। अब ये कहता है कि आपके पास वही सेम चार्जेस हैं, लेकिन अब हमने उनके बीच की दूरी कर दी है कितनी, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, और दूरी अब जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट 10⁻²⁻² इंटू 10⁻²⁻², ठीक है जी। और यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, के Q1 Q2 बाई 10⁻²⁻². इसका मतलब आपके पास ध्यान से देखो अगर, तो ये के Q1 Q2 इंटू अपॉन 10⁻²⁻² जो चीज़ है वो यही है कि नहीं। इसका मतलब आपके पास जो फैक्टर है वो कितना है, 16। इसका मतलब आपने पढ़ा हुआ है कि आपके पास तो जो फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम होती है। इसका मतलब आपको ये तो बात पता है कि जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी फोर्स कम होती जाएगी, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि 4 सेंटीमीटर से कम करके 1 सेंटीमीटर, तो क्लियरली आपके पास जो फोर्स है वो कितने टाइम्स है, इज 16 टाइम्स लार्जर देन बिफोर। जो नई फोर्स लग रही होगी, नई फोर्स कौन सी, जब 1 सेंटीमीटर दूरी रखेंगे दोनों चार्जेस के बीच, तो वो जो फोर्स लगेगी अब वो कितनी रहेगी, 16 टाइम्स ज़्यादा रहेगी, किससे, जो आपके पास पहले फोर्स लग रही थी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये देख सकते हो आप नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी में है आपके पास। एनर्जी स्टोर्ड बाय ए चार्ज्ड कैपेसिटर इज, एक चार्ज कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, आपके तीन रिलेशंस आपने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं अगर आपको याद हो तो, ठीक है। चलो कमेंट में आप करके, ये कमेंट में बताओगे आप मुझे, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके पास, और हाँ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका कितना स्कोर आ रहा था, ठीक है। उसके अलावा आपको कमेंट में ये भी बताना है कि इसमें ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑप्शन है वो तो एक ही है इसका, है ना, एक ही होगा, लेकिन इसके दो और एक्सप्रेशंस होते हैं, वो आप कमेंट करके जरूर लिखोगे। एनर्जी स्टोर्ड बाय ए चार्ज कैपेसिटर इज, दिमाग लगाओ, एनर्जी स्टोर्ड बाय ए चार्ज कैपेसिटर इज 1/2 CV2। सर ये हमारे दिमाग में छप गई है बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
ये हो गया आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन इक्वेस्टर। ये वेंडीग्राफ जनरेटर इज यूज फॉर एक्सेलरेटिंग, बिल्कुल सीधा सा टॉपिक है आपके सिलेबस में से, वेंडीग्राफ जनरेटर को किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है? प्रोटॉन्स के लिए, हाँ सर। न्यूट्रॉन्स के लिए, हाँ सर। अल्फा पार्टिकल्स के लिए, हाँ सर। ऑल ऑफ द वो हो गया आंसर, खत्म। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत देगा, ठीक है? चलते हैं आगे। इसके बाद आपके पास आ जाता है व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज, छोटा सा न्यूमेरिकल है, चुटकियों में न्यूमेरिकल कर सकते हो आप इसको। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टोर 24 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज ऑन 6 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर, यानी कि आपके पास जो जो गिवन है वो डायरेक्ट से लिख दो जी जल्दी। ये आपके पास चार्ज गिवन है जी 24 माइक्रो कूलम, यानी कि 24 × 10⁻⁶ कूलम। और आपके पास क्या गिवन है जी, कैपेसिटेंस गिवन है जी 6 × 10⁻⁶ फैरेड, है ना? माइक्रो गिवन है दोनों के पास, ये बात याद रखना, ठीक है? तो अब मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो क्लियरली हमने पढ़ा हुआ है एक रिलेशन, Q इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ से अगर मैं V निकालना चाहूँ तो किसके बराबर हो जाएगा, Q बाई सी, यानी कि Q बाई सी, ऐसे करके ये हो गया Q बाई सी। तो आपके पास ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से 6 × 4 = 24, तो आपके पास V जो रहेगा दैट विल बी 4 वोल्ट, खत्म बात। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर इतनी बात। चलो लेंज़ लॉ फॉलोज फ्रॉम द, ये तो आपके सिलेबस में, जहाँ पे मुझे आप लगता है मुझे आपके नोट्स अगर आप चेक करोगे लेंज़ लॉ वाले, और वहीं ये सिर्फ आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर रहे हो कि आपको कितना याद है, आपको नोट्स में हर एक चीज़ मिल जाएगी। लेंज़ लॉ फॉलोज फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर याद हो तो नोट्स को देख लेना, कंसल्ट कर लेना। एनर्जी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, नेक्स्ट बात करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर क्या होता है, आपने बोलना है कि जब एक कंडक्टर की कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ता है जब एक अर्थ कंडक्टर आप उसके पास ले आओ। याद करो हमने बोला था ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, ठीक है, फिर हमने उसके पास क्या लाया, एक अर्थ कंडक्टर ले आए, तो बताओ क्या होता है। तो सर हमने पढ़ा हुआ था कि जो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटेंस है वो क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। यही तो फंडामेंटल रहता है कैपेसिटर्स का, कि हम उसकी कैपेसिटेंस को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे, जब कभी भी हम एक अर्थ कंडक्टर उसके पास ले आए। याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है, आई होप आ रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज वापस से एक ऐसा क्वेश्चन है, इसके आपके पास ऑब्जेक्टिव, सॉरी इसके आपके पास जो आपके पास आंसर्स थे वो यहाँ पे नहीं है। तो इसके आंसर क्या हो सकता है, देखो क्लियरली आपके पास पता है कि आपने पढ़ा हुआ। अब आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा है पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस करके, ऐसे पढ़ा हुआ था, जहाँ पे हम बोलते हैं कि तीन रेजिस्टेंसेज गिवन है और एक रेजिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, ये आप बोलते हो एस जो है एक अननोन रेजिस्टेंस है। तो इन पी क्यू आर एस की जगह ही यहाँ पे लिख दो आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखोगे R1 by R3 is equal to R2 by R4, और यहाँ पे ध्यान जाना चाहिए आपका ये R4 निकालना है, एक नल है, और आपको पता है नल स्टेट में ये रिलेशन रहता है P by Q is equal to R by S, आपने पढ़ा हुआ है। अगर ये आपके पास गिवन है, देखो यहाँ पे देख सकते हो R1 भी कितना है 10 ओम, R2 भी कितना है 10, R3 भी कितना है 10, आपको R4 निकालना है, तो R4 आप लिख सकते हो therefore R4 is equal to R2 into R3 by R1, सारी वैल्यूज कितनी है 10 × 10/10, वापस से आपके पास जो R4 निकले थे दैट विल बी इक्वल टू 10 ओम, ठीक है जी। तो इसका क्या आंसर रहेगा 10 ओम। नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यू ऑफ हेनरी इन ईएम यूनिट्स, ईएम यूनिट्स में वैल्यू ऑफ हेनरी क्या होती है, नोट्स पे डायरेक्ट मेंशन होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 हेनरी इज इक्वल टू 10⁹ ईएम यूनिट्स। नेक्स्ट बात करते हैं पावर इन एन एसी सर्किट, वापस से एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में आपके नोट्स में डायरेक्ट मेंशन होगा, ई आई कॉस थीटा पी इज इक्वल टू ई आई कॉस थीटा, ठीक है, कहता है बताओ आपके पास जो कॉस थीटा है उसको क्या बोला जाता है, तो कॉस थीटा को क्या बोला जाता है, हाँ बिल्कुल सही, आई होप आपको आंसर आता होगा, पावर फैक्टर बोला जाता है सर। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पे आपके पास लास्ट दो न्यूमेरिकल हैं आपके पास, ठीक है, लास्ट दो एमसीक्यूज़ हैं, इनमें से बताना है आपने कि बताओ कौन सा आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो, सॉरी कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है जी। तो दिखा देखो ज़रा, तो सर हमने अभी पढ़ा है कि जो आपके पास फाई क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स है, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एस क्या है एरिया है, ठीक है जी। तो आपके पास आपने पढ़ा हुआ है कि सर फाई इज इक्वल टू बी डॉट एस, आपने ए करके पढ़ा होगा तो भी बात एक ही है, बी डॉट ए करके भी पढ़ा होगा तो बात एक ही है, और आपको पता है इसी को आप कैसे लिख सकते हो बी ए कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर।
लास्ट क्वेश्चन और ये थोड़ा सा क्या है सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। डायमेंशनल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो कहता है। डायमेंशनल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए आपको तो यहाँ से निकाल सकते हो, डायरेक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन यहाँ पे गिवन है। तो आपने लिख दिया फाइ इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा से कोई लेना देना नहीं, डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो ये कॉस थीटा जी चला गया हमारा। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा होता है, तो कॉस थीटा हमारा चला गया। इसका मतलब हमें बी के डायमेंशंस चाहिए और ए के डायमेंशंस चाहिए। एरिया के डायमेंशंस तो आपको पता ही होंगे, एल स्क्वायर है ना। तो अब आपके पास चाहिए आपको बी के डायमेंशन। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन अगर डायरेक्ट याद है तो पुट कर दो, नहीं पता है तो क्या कर दो, सर हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे। बी इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको फोर्स का रिलेशन याद होना चाहिए, तो चलो फोर्स का रिलेशन याद लिख देते हैं। क्या रिलेशन था सर, हमने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, हाँ है ना। साइन ऑफ थीटा वापस से डायमेंशन लेस सर नहीं लिखते, ठीक है। तो साइन ऑफ थीटा हमारा चला गया। चलो अब यहाँ से आप अगर आप किसके डायमेंशन निकालना चाहते हो, मैग्नेटिक फील्ड के, तो B को लिख दो जी। B इज इक्वल टू F बाई क्यू वी, यही लिख सकते हो, हाँ है ना। तो F बाई क्यू वी है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं B इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन अगर याद हैं तो डायरेक्ट लिख देना एम एल टी माइनस टू, और नहीं याद हैं तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से निकाल ही सकते हो। क्लास 11th में डायमेंशंस पे पूरा यूनिट पढ़ा हुआ है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। क्यू चार्ज, ए टी चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, वेलोसिटी डायरेक्ट याद है तो लिख दो ना एल टी माइनस वन, या फिर अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो लिखोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता L, टाइम क्या होता T, तो ऊपर जाके एल टी माइनस वन, आई होप क्लियर है। ये निकल गया आपके पास B। अब A की वैल्यू पुट कर दो जी, A का क्या था डायमेंशन, सॉरी A का डायमेंशन क्या है आपके पास, L स्क्वायर, तो लिख दो जी L स्क्वायर, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ ज़रा, चलो यहाँ से m की बात करते हैं, a की m है तो सर m वैसे का वैसा, l की तरफ ध्यान जाना चाहिए। l एक यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, तो कितने l हो गए जी सर, l तीन हो गए, लेकिन एक l यहाँ पे भी है, तो आपके पास जो l कितने बचे, दो, तो l स्क्वायर। t की तरफ ध्यान जाएगा अगर, तो t सर यहाँ पे प्लस t माइनस t एक दूसरे को काट जाएंगे, t माइनस टू वैसे का वैसा रहेगा ये वाला। देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो आपको एक्चुअल में क्या करना था, आपको बताना था कि आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स के क्या डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलेशन सर हमने पढ़ा हुआ है बी ए, और बाकी की कहानी अपने काम की नहीं है। तो बी के मैग्नेटिक डायमेंशन निकालने के लिए हमने पढ़ा हुआ है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो यहाँ से आपके पास जो एफ जो बी जो निकलेगा दैट विल बी एफ बाई क्यू वी। तो फोर्स के डायमेंशन सर हमने पता है एम एल टी माइनस टू है, क्यू के सर हमें पता है ए टी है, और वेलोसिटी की हमें पता है सर एल टी माइनस वन है, इनटू इसको आप एरिया से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स के निकल जाएंगे। तो एरिया के हमें पता है सर डायमेंशंस एल स्क्वायर हैं, तो हम यहाँ से एम की तरफ ध्यान जाए अगर, तो हमारा एम सर वैसे का वैसा, एल की तरफ दो और एक तीन, यहाँ पे ये इसको ये काट जाएगा तो वापस से एल कितने बचेंगे, दो। T की तरफ ये प्लस T रेज पर वन, ये T रेज पर माइनस वन एक दूसरे को काट देंगे, तो आपके पास जो वापस से T बचेगा दैट विल बी T रेज टू माइनस टू। अब A की तरफ ध्यान जाएगा तो A कितने हैं, एक ही है, और A रेज टू माइनस वन रहेगा। दिस विल बी योर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, पूरा एक यूनिट किया है आपने इस पे, ठीक है, क्लास 11th में। तो ये आपके पास रहेगा डायमेंशन फॉर्मूला किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है। आई होप क्लियर। बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, कुछ लैग हो गया यहाँ पे, ठीक है, एरर हो गया कुछ, तो चलो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और इसमें से बताना मुझे कि आपको कितने क्वेश्चंस आते थे, और अगर ऐसे ही और क्वेश्चंस आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।